श्रद्धा को बिल्कुल इंसाफ मिलना चाहिए, और आफताब दोषी बताया, आरोपी है वो, उसका दोष सिद्ध हो जाए तो सख्त से सख्त सजा उसको मिलनी चाहिए। लेकिन इस बहाने लव जिहाद की बात करना, इसी बहाने फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करना, हमने कोई ऐसी बात नहीं की, हमारे कोई भी नेता इसके ऊपर नहीं बोले होंगे। हेमंत बिस्व शर्मा बोले सिविल कोड की जो बात है वो तो होना ही चाहिए ना, एक देश में दो कानून कैसे हो सकते हैं, एक देश में एक ध्वज होना चाहिए जो कर दिया तो, एक जज में एक देश में एक ही कानून होना चाहिए तो कॉमन सिविल कोड आना ही चाहिए। टाइमिंग पर सवाल है कि ये सिर्फ चुनाव से पहले क्यों, पहले क्यों नहीं, अब तो 5 साल 27 साल हो गए। देखो धीरे धीरे वातावरण बनता है तो एक के बाद एक होता है, जैसे राम मंदिर बनाने के लिए हम कई सालों से लड़ाई लड़ रहे थे, आज वातावरण बना तो बन रहा है मंदिर, सबके साथ मिलकर सब लोगों के सहकार के साथ, मुस्लिम नेताओं ने भी उसके अंदर सपोर्ट किया, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुओं ने किया, सब मिलकर वातावरण बनाया तो मंदिर बन रहा है, अच्छी बात है, तो वातावरण बनना चाहिए ना, जब वातावरण बनेगा वो लोग भी कहेंगे कि भाई क्यों विशेषाधिकार क्यों, जैसे आपने कहा कि उनके विशेषाधिकार खत्म हो गया। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं, आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तलाक की बात आई, 3 तलाक की बात, कई मुस्लिम महिलाओं ने मुझे कहा कि हमें भी डर रहता है कि हमारी बेटी शादी करके गई है, अगर उसको 3 तलाक कर देंगे तो घर आज वापस आ जाएगी, किसी की बहन होगी उसको डर रहता है, आज वो डर उनका भी खत्म हो गया, वो भी सेफ हो गए हैं, ये उनके लिए सेफ्टी के लिए किया, उनके फायदे के लिए किया गया है, उसको प्रेजेंट्स अलग तरह से करते हैं कि ये कानून खत्म कर दिया 3 तलाक का, 3 तलाक का नुकसान भी उनको ही था और इसका फायदा भी उनको ही है, मगर जो उनके नेता है वो उनको गलत तरह से उनके सामने पेश ये भी, जैसे आपसे जितने सवाल हुए नीचे से कि भाई इस सीट पर इतने मुसलमान हैं फिर भी आप इतने मार्जिन से जीत जाते हैं, ये सब मानकर हो रहे थे कि आपको मुस्लिम वोट नहीं करता है, और आपके लिए कहा जाता है आपकी पार्टी के लिए कि आपको जरूरत भी नहीं है, आप मान के चलते हैं कि ये वोट तो मुझे मिलना ही नहीं है, मुझे इसके सिवाय जीतना है, और मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मुझे किसने दिया नहीं दिया, हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, हमें 10 लाख वोट मिले हैं तो हम तो सबका आभार व्यक्त करते हैं, 20 लाख लोगों का, मैं तो एयरपोर्ट जाता था तो लोग कहते थे मैंने आपको वोट दिया, तो मैं तो हाँ 20 लाख वोटर्स थे उसमें से हर दूसरे आदमी ने दिया, 13 लाख वोटिंग हुआ उसमें से 10 लाख मिला, उसका मतलब कि हर 4 में से 3 लोगों ने वोट दिया, तो मैं सबका आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे वोट दिया, तो मैं उसको कैसे आइडेंटिफाई करूँ कि नहीं दिया दिया आप दिया ही होगा, नहीं तो आप मतलब ये नहीं आप कह रहे कि मुसलमान हमें वोट नहीं करता, ये थ्योरी गलत है। नहीं मैं कैसे मान लूँ कि किया या नहीं किया, मैं कहता हूँ ना आपको इतना वोट मुझे मिला है, इसमें उनका भी हो सकता है सबका हो सकता है। निर्णय कपूर हमारे गुजरात की ब्यूरो चीफ एक सवाल करेंगे आपसे। पटेल साहब मेरे दो छोटे छोटे सवाल हैं आपसे, एक तो जो आप गणित बता रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि इस बार आप रिकॉर्ड बनाएंगे 150 यानी 150 से ज्यादा सीटें मिनिमम जीतेंगे, अगर हम लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी अप्लाई करें 2014 में जो लोकसभा चुनाव हुए उस समय अगर विधानसभा से उसको आप एक्सट्रपोलेट करें तो 165 सीटें आप लोग आगे थे, 2017 में आते आते 99 पे आप आ गए, चलिए आंदोलन उसमें एक बड़ा कारण भी था, पिछली बार अगर देखें तो 173 सीटों पे आप आगे थे, और इस बार भी 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी आप फेस कर रहे हैं, महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, सरकार जितने भी सर्वेज हो रहे हैं उसमें भी ये बात निकल के आ रही है कि लोग काफी इश्यूज को लेकर के नाराज हैं सरकार से, तो ऐसे में अगर हम इस लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी को अप्लाई करें तो आपकी सीटें 150 तक कैसे पहुंच सकती हैं, वो फिर 100-110 के आसपास आके अटक जाएंगे। देखिए हर चीज अपनी जगह होती है, मान लो एक सीजन आती है तो वहां सब्जियों का भाव बढ़ जाता है, आज सब्जी का भाव कम हो गया तो जब बढ़ता है तो लगता है लोगों को कि बड़ा है, एक समय था कि सोना 200 रुपये में मिलता था तोला, आज उसका 50,000 रुपया हो गया, तो आप बोले सोने का भाव है मेरे पास है उसका भाव बढ़ना चाहिए मगर दूसरा नहीं बढ़ना चाहिए, तो इतने सालों के साथ हर जगह में कुछ ना कुछ कीमतें बढ़ती है, मगर सरकार की ओर से जो लोगों की आवश्यकता है, अनाज है, खाने की चीज़ें है, सब्जियाँ है, वो सब चीज़ उसको कंट्रोल करने की सरकार कोशिश करती है, उसके ऊपर सब्सिडी भी देती है, और इसी के कारण जो सामान्य आदमी है आम आदमी है उसको लगता है भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी जरूर हमारे इस महंगाई को रोकने के लिए पूरा प्रामाणिक प्रयत्न करती है और उसका रिजल्ट मिलता है।
सीटों की बात जो होती है, मैं उसको हर सीट के ऊपर तो आपको समझा नहीं पाऊंगा, और इसीलिए मैं कहता हूं कि आप उसके लिए 10 दिन रुक जाइए, आपको जवाब मिल जाएगा कि 150 के ऊपर या रिकॉर्ड कैसे होता है वो। नहीं नहीं इसका पार्ट टू ये है कि आपने खुद जैसे अभी कहा कि मान लीजिए 70% वोटिंग हुई, 3.5 करोड़ वोट पड़े, जिसमें से आप ये कह रहे हैं कि 2 करोड़ के आसपास वोट बीजेपी को मिल सकते हैं, लेकिन बाकी का जो बचा हुआ 1.5 करोड़ है, अगर आपके ही बात को अगर मान ले कि आम आदमी पार्टी डिपॉजिट घुमा रही है हर जगह, तो कांग्रेस एक ऐसी फॉर्मिडेबल पोजीशन में कि जहां वो आसानी से उतने नंबर तो ले लेगी कि। देखिए निर्णय कपूर जी, आपने मेरे वोट काट दिए। मैंने कहा 2 करोड़ 40 लाख मिलेंगे, अब टोटल 70% के हिसाब से अगर वहां 3.5 करोड़ का वोटिंग होता है और 2 करोड़ 40 लाख जो मेरा अंदाज है वो अगर मिलता है, तो वहां 1.5 करोड़ नहीं बचता है, 1-10 ही बचता है, और 1-10 में अपने आप लड़ाई करके ले ले क्या हिस्सा आता है। मुझे नहीं लगता है कि 10-12% ऊपर जाता है दोनों का, अगर दोनों मिला के भी करेंगे तो उसका टोटल 35 लाख 40 लाख 50 लाख, इसके ऊपर कोई नहीं जा पाएगा, और इसीलिए हम कहते हैं कि हम सबसे ज्यादा वोट शेयर होगा, सबसे ज्यादा लीड होगी और सबसे ज्यादा सीट होगी, और ये कार्यकर्ता के आधार पर, और जो गुजरात के मतदाताओं की जो जागृति है, वो जिस तरह से हर बात को समझते हैं, उनको लगता है कि कहाँ उनको सिक्योरिटी है, कहाँ पर वो डेवलपमेंट है। यही कांग्रेस 5 साल पहले कहती थी कि विकास के नाम पर वो मजाक कर रही थी, आज कहती है कि हमारा काम बोल रहा है। ये जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनने की वजह से नए लोग आते हैं, नई टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं, नई टेक्नोलॉजी के साथ नया इन्वेस्टमेंट लेकर आते हैं, और उसी के साथ जो नए लड़के जो अलग अलग क्षेत्र में कुछ नया पढ़ के आते हैं उनको यहाँ जॉब भी मिल जाता है। तो ये जो क्रिएशन होता है वो विकास की वजह से होता है। आपको यहाँ एयरपोर्ट ही नहीं है तो कौन आएगा बाहर से इन्वेस्ट करने के लिए? तो एयरपोर्ट में विमान में आप बोलोगे पैसे वाले ही लोग आते हैं, अगर आप ऐसा कहोगे तो एयरपोर्ट बनाना ही नहीं चाहिए। वहाँ आने वाले लोग इन्वेस्टमेंट के साथ टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर आवश्यकता है। पहले कोई जगह मान लो एयरपोर्ट नहीं है, वहाँ व्यवस्था नहीं है, 5-स्टार होटल नहीं है, तो अच्छे डॉक्टर, अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट जब वहाँ डिबेट होती थी या कोई सेमिनार होता तो आते नहीं थे। जैसे सुविधा होने लगी तो अब छोटे छोटे शहरों में भी ये लोग जाते हैं, अपना नॉलेज वहाँ शेयर करते हैं, कुछ सिखाते हैं, कुछ सीखते हैं। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत आवश्यकता है। ये जो विकास की जो बात है उसके साथ पूरा डेवलपमेंट जुड़ा हुआ है, और उसी के आधार पर गुजरात आज जो समृद्ध है, इसी के लिए लोग कहते हैं ना, साहब ने जो कहा अभी धर्मपुर में कि मैंने बनाया गुजरात। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लोगों ने क्या कहा, हाँ मैंने बनाया गुजरात, गुजरात नरेंद्र मोदी का परिश्रम है, हमारा भरोसा है, उसका परिणाम है विकसित गुजरात। ये जो मन में भावना है उनकी, आप देख ले सोशल मीडिया पे, जैसे साहब ने कहा तो ऐसा नहीं कहा कि घमंड है, सबने कहा हाँ मैंने बनाया, मैं भी फर्स्ट पे बैठा था नर्मदा के पानी के लिए, मैंने भी उस काम के लिए सपोर्ट किया था। मोदी साहब ने कहा ना कि आपका एक वोट की जो ताकत है उस ताकत के आधार पर सरकार बनती है, उसके आधार पर नया नया इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, नए काम होते हैं, नया एयरपोर्ट बनता है, नई हॉस्पिटल आती है, हर चीज ये एक वोट की ताकत पर आती है। ये बात वो बहुत अच्छी तरह लोगों को समझा भी सकते हैं और लोग समझ भी लेते हैं, और उसी के आधार पर मैं कहा ना, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, मैं तो मुझे मिली जवाबदारी उसके ऊपर सभी के साथ मिलकर काम करता हूँ। परिणाम जो आता मैं देख रहा हूँ, मैं वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और मुझे विश्वास है कि हम बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। 10 दिन की बात है, आपको भी एक ट्वीट करना पड़ेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।